हेलो गाइस, कल जो आपका कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, देख लीजिए, अभी अभी ये वायरल हो चुका है। अगर कल आपको 8 बजे 70 में से 70 मार्क्स लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी 19 प्रश्नों का यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा कैसे आप सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपके दिशा निर्देश रहने वाले हैं, तो ये सारे दिशा निर्देश आपको रीड कर लेने हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका रहेगा यहाँ पे देख लीजिए, डी ब्लॉगी समीकरण कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमसी आपका डी ब्लॉगी समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, संपूर्ण पेपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो टोटल आपके 7 यहाँ पे सही विकल्प आने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो कुछ इस प्रकार से ये सेकंड पेज पे रिक्त स्थान रहेंगे, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। यहाँ पे देखिए, एक एक नंबर के साथ रिक्त स्थान रहने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे सही जोड़ियाँ रहेंगी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर रहेंगे, तो इनका स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपका सही जोड़ियों के रूप में पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा, सो गाइस, इसके बाद दो दो अंक वाले आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। देखिएगा, कार फलन किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति क्या है, दो अंक का एक क्वेश्चन रहने वाला है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद मेंडलीव का आवर्त नियम पूछा जाएगा, डेवो राइनर का यहाँ पे तर्क नियम पूछा जाएगा, तो ये भी आपका 2 नंबर में आने वाला है कुछ इस प्रकार से। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका ये पेपर बनने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 रहने वाला है इसको देख लीजिए, आबंध कोटि को परिभाषित करना है, दो अंक का क्वेश्चन है, द्विध्रुव आघूर्ण से हम क्या समझते हैं ये हमें बताना है। इसके बाद देखिएगा, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है, अपचायक को उदाहरण सहित समझाना है, तो ये भी 2 अंक का रहेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, अथवा में है अपचायक को उदाहरण सहित समझाना है। इसके बाद आपका क्रियात्मक समूह को समझाना है, अथवा में है समयवायता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। इसके बाद देखिएगा, एल्काइन में श्रृंखला एवं स्थिति समवायता को समझाना है। यहाँ पे देखिएगा, क्रोमेटोग्राफी को हमें समझाना है, ये भी आपका 2 अंक का है। इसके बाद देखिएगा, ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसों के नाम आपको बताने हैं, जल में मिले ऑक्सीजन के स्रोत क्या हैं वो हमें बताने हैं, मतलब जल में जो भी ऑक्सीजन के विलय करते हैं उन स्रोतों के नाम हमें बताने हैं। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट आपका देखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित एक क्वेश्चन रहेगा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित हमें समझाना है, अथवा हमें रहेगा निम्नलिखित की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, ये कुछ ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। इसके बाद आपका देखिएगा, यहाँ पे प्रेरित प्रभाव पर संक्षिप्त हमें टिप्पणी देनी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ से 3-3 अंक वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 भी 3 का है आपका, 14 भी, यहाँ पे 15 भी आपका 3 का है। कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में अंतर देना है, सजातीय सरणी किसे कहते हैं इसकी विशेषता हमें बतानी है, क्या कारण है कि कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है, अथवा में देना है हमें देखिएगा, लेगेंस परीक्षण का रसायन सिद्धांत समझाना है हमें। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत हमें समझाना है, इसके अनुपयोग, इसके अलावा कक्ष एवं कक्षक में अंतर बताना है। प्रकाश पुंज का प्रिज्म द्वारा अपघटी यहाँ पे घटकों में पृथक्करण किस प्रकार होता है, सचित्र वर्णन करना है। बोर की त्रिज्या की गणना करनी है, सो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे अब लास्ट जो पन्ना आपका बचा हुआ है इसमें हम देख लेते हैं क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, 19वां जो क्वेश्चन है, यौगिक के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने की मियार विधि हमें समझानी है, 5 अंक का है। अनुनाद का प्रभाव क्या है, इसके अनुपयोग हमें लिखने हैं। सो कुछ इस प्रकार से आपके टोटल 19 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ पे देख लीजिए। सो चलिए अब हम देखने वाले हैं इसकी सॉल्यूशन के साथ में हम पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, संपूर्ण सॉल्यूशन की मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करके स्टडी नोट्स पीजे यहाँ पे सर्च करना है। देखिएगा, जैसे मैं स्टडी नोट्स पीजे पे दबाऊंगा, यहाँ पे सबसे पहला रिजल्ट हमें मिलेगा स्टडी नोट्स पीजे, इस पे हम करेंगे क्लिक। इस पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिएगा यहाँ पे नीचे आएंगे, एमपी बोर्ड दिख जाएगा हमें, एमपी बोर्ड पे हम कर देंगे क्लिक। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिएगा, यहाँ पे क्लास यहाँ पे हमारे लिए चाहिए है, यहाँ पे 11th का, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो पेपर चाहिए हमें रसायन विज्ञान का चाहिए है, तो रसायन विज्ञान पे हम करेंगे क्लिक। रसायन विज्ञान पे क्लिक करने के बाद ये पूरा पेपर डला हुआ है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया हुआ था, तो अगर आपको अच्छे से देखना है तो यहाँ पे आके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे, हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, नीचे यहाँ पे लिंक दी गई है,
सॉल्यूशन की लिंक दी गई है, जैसे ही हम सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे देखिएगा कुछ इस प्रकार से, तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। सो गाइस कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आएगा। अब चलिए देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ को हम किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही बता दिया था कि इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल पे जाकर के सर्च करना है स्टडी नोट्स पीजे कुछ इस प्रकार से, पहला रिजल्ट मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है, एमपी बोर्ड दिखेगा एमपी बोर्ड पे क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिएगा हमें कक्षा दसवीं हिंदी का पेपर डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे दसवीं दिया गया है, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे हिंदी दिया गया है, तो हिंदी पे हम करेंगे क्लिक कुछ इस प्रकार से। जैसे हिंदी पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये लोड लेगा, देखिएगा कुछ इस प्रकार से। हिंदी पे क्लिक करने के बाद देखिए हिंदी का पूरा पेपर डाला हुआ है इस प्रकार से, देख लीजिए पूरा पेपर है जो कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे जब हम, तो नीचे हमें पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, मैं दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। यहाँ पे देखिएगा ये कुछ स्टेप है इनको फॉलो करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पीडीएफ की लिंक है, तो यहाँ पे आकर के हम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।